नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नसलोगंज बुंदी विधानसभा क्षेत्र के निवासी मध्य प्रदेश के युवा जुझारू नेता पूर्व सिलाई कला मंडल अध्यक्ष सुनील महेश्वरी द्वारा उत्तर प्रदेश आगरा प्रवास के दौरान जेतपुर कला के नामदेव काकुत्स समाज के प्रदेश महामंत्री दिलीप कुमार के सुपुत्र के विवाह समारोह में उत्तर प्रदेश के 45 जिलों व विभिन्न राज्यों में पधारे समाज बंधुओं को संबोधित कर आगामी उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दर्जी समाज को एकजुट होकर तन मन धन से कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान भी किया। विश्व नामदेव दर्जी छिपा समाज संगठन से डायरेक्टर भानुवति राष्ट्र संयोजिका व मुकेश सोलंकी के अपने विचार व्यक्त किए। मध्यप्रदेश व उत्तराखंड में आगामी विधानसभा में संपूर्ण नामदेव समाज एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। वही चंपल पैराडाइज रिजॉर्ट में दिलीप काकुत्स्य प्रदेश महामंत्री के सुपुत्र शुभम के विवाहोत्सव में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए समाज के लोगों से आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा। वही भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली बटेश्वर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ राष्ट्र राजनीति के सच्चे सुपुत्र की पवित्र स्थल को नमन किया। नसलोगंज से चांदनिया की रिपोर्ट। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली बटेश्वर धाम में उनके जन्म के बाद लगभग 97 साल बाद भी उनके स्मारक का नहीं बनना और प्रदेश उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद में भी स्मारक के रूप में अब तक तब्दील नहीं होना पर आप क्या कहना चाहते हैं? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष है। आपने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी रूपी वट वृक्ष को खड़ा करा, उसकी छैया में हम लोग कार्य कर रहे हैं। उनके फल जहां पर पार्टी के मात्र दो सांसद हुआ करते थे, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार भारतवर्ष में भी हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ये विकास की गंगा बहा रहे हैं। तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करेंगे। उन्होंने कहा था अंधेरा हटेगा सूरज निकलेगा। तो वो एक कवि भी थे, एक राष्ट्रभक्त के साथ एक कवि और भारत रत्न हमारे पितृपुरुष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।